Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In this video, we'll be continuing with the newspaper series and we'll be covering up important topics from the newspaper of 31st May 2024. So major topics or areas that will be covered today are related to semiconductors. Then heat-related articles are also there, plus fire safety. Then electronic vehicles dumping that is being done, especially in the Europe by China. Trends that are in the tobacco consumption and production. And plus how the model code of conduct is related to ECI and the proposed relation of it in the legislation. So the first topic says chip revenues to surge 33%. With AI adoption across devices. So with the increase of AI intervention with regard to the devices, for example, जो ये concept है AI PCs का, it is also developing, in which ये जो AI model है, dedicated chips जो हैं, जो AI task के लिए ही built है. और even the projectile shows that जो AI related dedicated chips हैं वो 1/5 constitute करेंगी of all the new desktop and laptop sales worldwide this year itself. और by the end of 2026 जो 100% of enterprise PC का purchases का will be an AI PC. तो यहाँ पे जो ये AI semiconductor का concept आया है, जो concept develop हो रहा है, this will increase the net global production of semiconductors chips by 33%. तो यहाँ पे AI adoption की बात हो रही है जो further accelerate करेगा इस demand को. And also जो Microsoft CEO Satya Nadella उन्होंने introduce करा Copilot plus PCs. तो ये एक तरह का specification है जिसमें जो Copilot है again एक neural processor है and then जो PC है again it relates it with the operating system. तो इन इसका generation यहाँ पे हो रहा है और ज़्यादा speedify हो जाएगा and AI directly link करेगा to these chips. This was the major point in this topic. Plus we also talk about the specs scheme जिसके बारे में हमने पढ़ा था. Apart from the PLI and DLI जो as incentives काम करते हैं for the semi conductors के production में. उसके अलावा वी हैव द स्पेक्स विच इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटीज एंड सेमी कंडक्टर्स. इम्पॉर्टेंट कंपनीज की अगर हम बात करते हैं तो फॉक्सकॉन इज लाइक अ मेजर प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो वेदांता दैट इज ऑल्सो मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सेमी कंडक्टर्स विच इज इन इंडिया गुजरात में इज सेटअप. फिर ईवी डंपिंग फियर्स राइज एज वेस्ट प्लान्स चाइना टैरिफ्स. नाउ अगेन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस टॉपिक के जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक्सपोर्ट है फ्रॉम चाइना टू यूरोप इट इज इंक्रीजिंग अ लॉट. लाइक मेजर जो 30% है 30% ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दे आर बीइंग इम्पोर्टेड ओनली एटलीस्ट. तो इसके रिगार्डिंग जो डोमेस्टिक अली जो कॉम्पिटिशन है दैट विल राइज. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूरोपियन यूनियन इज नाउ प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स इम्पोर्ट ड्यूटी जो कि करेंटली 10% है तो उसको 25-30% कर देंगे सारे चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरीज पे ताकि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके. इसका रेपरकशन क्या होगा अगेन इंडिया में फिर जो वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उनको डायरेक्ट करा जाएगा बाय चाइना बिकॉज यूरोपियन यूनियन नाउ अगेन इट विल इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटी. तो इसके रिगार्डिंग इंडिया को क्या करना चाहिए इंडिया शुड ऑल्सो इंक्रीज द इम्पोर्ट ड्यूटीज और जो क्वालिटी चेक्स हैं उनको भी एनफोर्स करना चाहिए. फिर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमिडीज DGTR अगेन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. और जो रिवैम्प्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की पॉलिसी है उसमें इंडिया हैज ओपन्ड इट्स doors to all electronic vehicle manufacturers, including those from China. But again, geopolitical tensions की वजह से इतना straightforward path नहीं create करना है for China, despite the revamped EV policy.
सोवरेनिटी को मेंटेन करना इट ऑल्सो बिकम्स इम्पोर्टेंट, जो कैसे हो सकता है अगेन क्वालिटी चेक्स को इम्पोज कर देना ताकि जो डंपिंग है वो प्रिवेंट हो सके और इम्पोर्ट ड्यूटी को भी लिफ्ट कर देना. आरबीआई रिलीजेस फाइनल गाइडलाइंस फॉर फिनटेक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी. तो यहाँ पे देर आर स्पेशल गाइडलाइंस जो कि आरबीआई ने रिलीज करी है फॉर द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स, ताकि वो क्रिएट कर सके एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. तो सेल्फ रेगुलेशन की इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें दिखाई जाती है. एंड यहाँ पे करेंटली इसका नीड क्यों है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है और ट्रांसपेरेंसी को फॉस्टर करना दैट बिकम्स एसेंशियल हियर. एंड रिगार्डिंग दिस वी ऑल्सो रेड अ टर्म दैट वॉज रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस, जो अगेन इनोवेशन को भी फोकस इनोवेशन को भी प्रॉस्पर करने में हेल्प करते हैं. एंड ऑल्सो रेगुलेशंस ताकि जो प्राइवेसी डेटा सेफ्टी एक्सेट्रा के जो इश्यूज हैं उनसे रिलेटेड कंसर्न्स ना डेवलप हो. तो रेगुलेटरी सैंड बॉक्सेस एंड करेंटली गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं फॉर द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी का क्रिएशन इन द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स. इससे जो कंसर्न्स है कस्टमर प्रोटेक्शन के, डेटा प्राइवेसी के, साइबर सिक्योरिटी के और इंटरनल गवर्नेंस के, सो दे कैन ऑल बी प्रिवेंटेड. और फिनटेक्स के लिए है एन इंडस्ट्री लेड बाय एंटिटी प्लस देर आर रिकॉग्निशंस दैट शुड बी मेड, और ये डिपेंड करेंगे ऑफ द रेगुलेटरी और सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन. दे विल डिपेंड ऑन द नंबर और जो नेचर ऑफ एप्लीकेंट्स जो रिसीव हो रहे हैं, द आरबीआई विल डू सो. यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंड जितने भी SRO होते हैं, मतलब सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इंडिया के अंदर, इनको बेसिकली रजिस्टर किया जाता है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 एज नॉन प्रॉफिट कंपनीज सेक्शन 8 के अंदर। इसके अलावा नेटवर्थ एडिक्वेट होनी चाहिए रजिस्टर करने के लिए, और हम बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि जो ओवरऑल कल्चर है हमारा उसके साथ कंप्लायंस कर पाए। तो सेबी जो खुद से ही एक रेगुलेटरी बॉडी है वो ओवरसी करती है SROs को विद इन द सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर। इसके अलावा IRDAI वो गवर्न करती है इंश्योरेंस सेक्टर को, तो वहां पे फैसिलिटेट करती है ताकि SRO हमारे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रजिस्टर हो पाए, एंड वैसे ही RBI वर्क करती है। इंडियाज पीक पावर डिमांड हिट्स रिकॉर्ड 250 GW एज हीट वेव कंटिन्यूज. अब यहाँ पर हीट वेव का और राइजिंग ग्लोबल वार्मिंग और जो ये क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है इसका हमें एक रिलेशन दिखाया जाता है विद द पावर डिमांड, जो कि अगेन इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस. और अभी करेंटली जो रिकॉर्ड हिट करा है दैट इज ऑफ 250 GW पीक डिमांड, और जो प्रीवियस हाई था लाइक करेंटली एग्जैक्ट बोले तो 246 GW है, जो प्रीवियस हाई था 243 GW जो लास्ट ईयर सितंबर में मेजर करा गया था. और करेंटली जो मर्क्यूरी है इट इज क्लाइम टू ओवर 50 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे इंक्रीज वाटर कंजम्पशन की भी बात होती है व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो दैट इज ऑल्सो अ की कंसर्न दैट अराइजेस. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की तो इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड. करंटली जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है एज ऑफ मार्च 2024 तो वो 442 GW की है. और अगर हम एनर्जी मिक्स की बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी से कितना आ रहा है, जैसे कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी एक्सेट्रा, तो इन सबसे 43% आ रहा है ऑफ द टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी. एक अगर हम इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं गवर्नमेंट की इनिशिएटिव की, तो वो है नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान. तो 2023 से लेकर 2027 तक किया है मेजरली कि इंडिया जो है वो कोई भी न्यू फॉसिल फ्यूल पावर प्लांट्स को बिल्ड नहीं करेगा यूटिलिटी सेक्टर में. जो अभी कंस्ट्रक्शन में है ऑफकोर्स दे विल बी कंटिन्यूड बट कोई न्यू सेटअप नहीं होगी. तो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट है. और इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो पावर मिनिस्ट्री, और उन्होंने मैंडेट भी करा है कि जो कोल बेस्ड पावर प्लांट्स है
उनको फुल कैपेसिटी से ऑपरेट करना टिल सितंबर 2024। एंड इसके अलावा जो मेजर कंसर्न हीट स्ट्रेस की बात हो रही है, उससे रिगार्डिंग नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज हमारे पास है, जिसमें 8 नेशनल मिशंस इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। इसके अलावा आई कैप, दैट इज इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान, उसके अंदर हमारा एम है कि जो हमारी कूलिंग डिमांड है उसको हम रिड्यूस करेंगे बाय 20 to 25%, एंड जो रेफ्रिजरेटर की डिमांड है उसको 25 by 30% 2037 तक। तो कूलिंग डिमांड को कम करने की बात। इसके अलावा एनडीए में जो है वो भी अपनी गाइडलाइन देते हैं मैनेज करने के लिए कि हीट वेव्स के इम्पैक्ट को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये तीन इम्पोर्टेंट। देसी कॉरपोरेशन कंपनी लॉन्चेस वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद 1-piece 3D प्रिंटेड इंजन। तो यहाँ पे अगेन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इनोवेशन से रिलेटेड दिस आर्टिकल इज दिस टॉपिक इज मेनली रिलेटेड टू। तो अग्निकुल कॉस्मोस, ये IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप है और इन्होंने लॉन्च करा है वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद अ सिंगल-piece 3D प्रिंटेड इंजन। तो यहाँ पे वी कैन टॉक अबाउट 3D प्रिंटिंग, बट बिफोर दैट वी कैन फोकस अपॉन द नेम ऑफ द रॉकेट विच इज सॉर्टेड या फिर अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, जिसको हम सॉर्टेड बोल रहे हैं। और ये पावर्ड इट इज पावर्ड बाय अग्निकुल्स अग्निलेट इंजन और सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, यानी कि सेमी फ्लूइड ऑक्सीजन इज बीइंग यूज्ड है। और अग्निकुल का जो इनॉग्रल फ्लाइट है इट डेमोन्स्ट्रेटेड इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज और क्रूशल फ्लाइट डाटा और इट ऑल्सो इंश्योर्ड ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ सिस्टम फॉर द ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल जो कि अग्निबाण है इन द फ्यूचर। तो 3D प्रिंटिंग के व्हेन वी टॉक रिगार्डिंग 3D प्रिंटिंग, इसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग भी बोलते हैं और इसमें 3D ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं फ्रॉम डिजिटल मॉडल्स और कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसमें क्या होता है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लेयर्स आर क्रिएटेड, थिन लेयर्स, जिनसे के जो स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर है वो एक 3D मॉडल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बहुत सारे इसके प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि स्लाइसिंग हो गया, फिर प्रिंटिंग लेयर बाय लेयर, ये प्रोसेस हो गया। और अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो मटेरियल जेटिंग हो गया कि ड्रॉपलेट्स को यूज करके हम लेयर्स क्रिएट करते हैं, फिर पावर बेड फ्यूजन हो गया कि लेजर और इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करते हैं जो कि पावर पाउडर पार्टिकल्स को फ्यूज कर देता है। तो दीज आर द मेजर टाइप्स। और अगर हम 3D प्रिंटिंग के एप्लीकेशन की बात करते हैं कि कहाँ पे ही मेजरली यूज होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है, प्रोडक्शन में, ऑटोमोटिव में यूज होती है, जो कस्टम पार्ट्स टूलिंग और इवन एंटायर जो कार कंपोनेंट्स होते हैं उनके क्रिएशन में, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, इवन इन हेल्थ केयर सेक्टर जो कस्टम इम्प्लांट्स होते हैं, प्रोस्थेटिक्स होते हैं और मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। दीज आर द मेजर एप्लीकेशंस ऑफ 3D प्रिंटिंग। एंड इसके अलावा हमने ऑलरेडी भी देखा था कि 3D प्रिंटिंग का यूज करके जो मटेरियल यूज हो रहा है उसको भी हम कम कर देते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स डिजाइन के अंदर स्ट्रेंथ को भी हम इंक्रीज कर पाते हैं। तो कम मटेरियल यूज होता है बाय यूजिंग 3D प्रिंटिंग। पिलर्स ऑफ कैंसर मैनेजमेंट, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ टाइमलाइन दैट इज बीइंग प्रेजेंटेड हियर के ओवर द टाइम कैसे जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है या फिर क्या मेजर प्रायोरिटी मेथड्स हुए हैं कैंसर के मैनेजमेंट के। तो 1890s की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रीटमेंट बाय सर्जरी, दिस वाज द प्रोसेस दैट वाज यूज्ड के डायरेक्टली हम फिजिकल मेथड से सर्जरी के थ्रू ट्यूमर्स को रिमूव कर सके। कैंसर की बात करें तो दो टाइप के होते हैं, बिनाइन और मलिग्नेंट। तो बिनाइन आर स्पेसिफिकली लाइक दे आर लोकलाइज्ड कैंसर ट्यूमर्स, वो फैलते नहीं है, जिस जगह होते हैं वहीं पर दे रिमेन कंस्ट्रिक्टेड टू। और मलिग्नेंट की अगर बात करते हैं तो दे कैन ट्रांसफर वाया ब्लड थ्रू आउट होल बॉडी एंड वो बाकी जगह पे भी दे डेवलप। देन 1900 में रेडियोथेरेपी वॉज डेवलप, फिर उसमें एक्सरे ट्रीटमेंट यूज होता था टू ट्रीट कैंसर्स। फिर 1900 से 1945 तक
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर और बेसिक रिसर्च इट डेवलप 46 की ऑनवर्ड्स कीमोथेरेपी, जिसमें कि एंटी कैंसर मेडिसिन यूज होने लग गई टू ट्रीट सॉलिड एंड हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स, यानी कि 1900s के बाद से हम एक्चुअली मेडिसिन का यूज करने लग गए, या फिर केमिकल्स का, मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो 1980 से टेक्नोलॉजी और डेवलप हुई एंड वी शिफ्टेड टूवर्ड्स टारगेटेड थेरेपी, जिसमें टायरोसिन काइनेस इनहिबिटर्स और ट्यूमर स्पेसिफिक टारगेट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी कि जो स्पेसिफिक टाइप है उस ट्यूमर का, उसी के अकॉर्डिंग हम एंटीबॉडीज एंटीबॉडीज डेवलप करने लग गए सो एज टू इनहिबिट देम। फिर इम्यून चेक पॉइंट इनहिबिटर्स 2010 से ये स्टार्ट हुआ, जिसमें PD-1, PD-L1, CTLA-4 ये सब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है टू एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, सो दैट इम्यून सिस्टम इटसेल्फ कैन ट्राई टू फाइट अगेंस्ट ऑल दीज ट्यूमर सेल्स। और 15 से कौन सी थेरेपी, कार्टी सेल्स थेरेपी, अगेन यहाँ पे फिर बायोटेक्नोलॉजी का यूज हमें दिख जाए। नेक्स्ट टॉपिक इज रिगार्डिंग द फायर सेफ्टी, और इसमें जो बेसिक मेजर्स है दैट वी कैन टेक, डूज और डोंट्स क्या है वो इसमें बताया रखा है। डेटा की अगर बात करें तो सबसे पहले देर इज अ 37% राइज इन रेजिडेंशियल फायर्स इन दिल्ली। मेजर इसके कॉजेज वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड के जो हाई रेट ऑफ अर्बनाइजेशन है और स्मॉल साइज बिल्डिंग्स हैं, क्लोज रूम्स, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से देर आर मेजर सच कॉजेस। और फेकी की एक जो रिपोर्ट है उसमें भी देर वॉज प्रेजेंटेड के देर आर जस्ट 40% फायर स्टेशन इन इंडिया दैट अकॉर्डिंग टू द लेवल दैट और द अमाउंट दैट शुड बी प्रेजेंट। अब डूज में क्या क्या है कि इवैक्यूएट बिल्डिंग एट इनिशियल स्टेज इटसेल्फ, और गैप्स को कवर कर देना अगर रूम में ट्रैप्ड है तो वेट क्लॉथ से, ताकि हम प्रिवेंट कर सके स्मोक को एंटर करने से, और एकदम से जैसे ही हमें लगता है कि फायर आउटब्रेक हैज टेकन प्लेस वी मस्ट कट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज, स्पेशली जो मेन सर्किट बोर्ड होता है वहां से। जो वेट क्लॉथ होता है वो इजी ब्रीदिंग में हेल्प करता है तो वी कैन यूज इट, और सारे अप्लायंसेस को ऑफ कर देना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स को इंस्टॉल करके रखना हर रूम में, ताकि एक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो इलेक्ट्रिकल लोड का हर रूम में, हर एरिया में ऑफ द हाउस। फायर एक्सटिंग्विशर को रखना और उसको यूज करना भी आना चाहिए। कंबस्टिबल मटेरियल जैसे कि कर्टेन्स एक्सेट्रा, उनको एसीज एक्सेट्रा से दूर रखना, जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ताकि हीट करने के बाद वो फायर कैच ना करे, या फिर इवन इफ शॉर्ट सर्किट इट टेक्स प्लेस गुड क्वालिटी के अप्लायंसेस को यूज करना। डोंट्स में क्या क्या है, लिफ्ट नहीं यूज करना, और जो इलेक्ट्रिकल हजार्ड है वायर्स एक्सेट्रा उनको कारपेट मैट्स और डोरवेज के नीचे ना रखना, बहुत सारे प्लग्स को एक ही सॉकेट में ना यूज करना, नेकेड वायरिंग वायरिंग वेट हैंड से यूज करना इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को, ओवर हीटिंग, ऑयल लैम्प्स और इंसेंस स्टिक्स, यानी कि मेजरली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से थोड़ा दूर रखना, एट अ डिस्टेंस, मेंटेनिंग देम एट अ डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक, हाई कोर्ट वांट्स हीट वेव टू बी डिक्लेयर्ड नेशनल क्लामिटी। तो यहाँ पर नेशनल क्लामिटी की बात हो रही है कि हीट वेव्स को और इवन कोल्ड वेव्स को दिस शुड बी डिक्लेयर्ड एज नेशनल डिजास्टर, और एडवांस प्रिपरेशन शुड ऑल्सो बी मेड, जैसे कि हीट एक्शन प्लान एक्सेट्रा, स्पेसिफिकली आफ्टर वी डिक्लेयर देम नेशनल क्लामिटी। तो ये क्यों ये लेजिस्लेशन प्रपोज कर रहा है, जो राजस्थान हाई कोर्ट है ऑन थर्सडे इट टुक सुओ मोटो कॉग्निसेंस ऑफ डेथ्स ड्यू टू हीट वेव, और उन्होंने स्टेट करा कि एक नीड है टू डिक्लेयर हीट वेव्स एज नेशनल कलामिटी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और 2015 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इंट्रोड्यूस करा था डेथ प्रिवेंशन एंड कोल्ड वेव बिल 2015 राज्यसभा में, तो
बट अगेन दिस बिल हैज नॉट बीन एबल टू टेक द फॉर्म ऑफ लॉ टिल डेट. और अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं इंडिया में, तो नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट है जो कि 2009 में आई थी, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है जो कि 2005 में आया था. इसमें अगेन एक फ्रेमवर्क और रोड मैप है फॉर हैंडलिंग डिजास्टर्स इन होलिस्टिक मैनर. और अगर हम डिक्लेयरिंग की बात करते हैं कि कैसे हम नेशनल कलामिटी को डिक्लेयर करते हैं, तो इसके स्पेसिफिक कोई प्रोविजंस नहीं है, बट प्रेजिडेंट ऑल्सो मेजरली दे डिक्लेयर वेदर अ पर्टिकुलर डिजास्टर इज अ नेशनल कलामिटी और नॉट. अदर इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन अगेन NDMA आ जाता है, और ऑल्सो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. इंडिया उसका सिग्नेटरी है जो कि अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वर्क करता है. तो NDMA, नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और सेंडाई फ्रेमवर्क, दे बिकम इम्पोर्टेंट. इसके अलावा NDMA के अंदर इस्टेब्लिश्ड है हमारा नेशनल डिजास्टर फंड भी, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड भी, एंड नेशनल कमिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चेयर करते हैं। एंड इसके अलावा बात करें तो क्लैमिटी, क्लैमिटी की जैसे यहाँ पे बात हो रही है तो क्लैमिटी रिलीफ फंड है जो कि सेटअप किया गया था, और उसका जो शेयर है उसमें 3:1 के रेशियो में शेयर होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो उसको एडिशनल असिस्टेंस भी दी जाती है बाय द नेशनल क्लैमिटी कंटिंजेंसी फंड जो कि 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। तो जो क्लैमिटी रिलीफ फंड है उसमें 3:1 रेशियो होता है और नेशनल क्लैमिटी कंटिंजेंसी फंड के अंदर 100% सेंटर स्पॉन्सर्ड होता है। नेक्स्ट, मॉनसून अराइव्स अर्ली एंड साइमल्टेनियसली इन केरला नॉर्थ ईस्ट. तो ये एडवांसिंग हो रहा है ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून 2024. मेजरली यहाँ पे केरला की बात है. कर्ण, इफ यू कैन एड ऑन टू दिस, क्या मेजर कॉजेज है इसके? यहाँ पे हम ये देख सकते हैं इम्पोर्टेंट कि कौन कौन सी डेट्स पे मॉनसून जैसे आ रहा है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट उसमें एक तो होता है जो मस्करीन आइलैंड से आपकी विंड्स आती हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के रीजन से पहले मस्करीन और मेडगास्कर रीजन में जाती हैं, एंड उसके बाद हमारी जो सोमालिया जेट स्ट्रीम है उसके साथ वेस्टर्न घाट पे सबसे पहले हिट करती है। तो सबसे पहले जो मॉनसून है वो हमारे वेस्टर्न घाट वाले रीजन एंड अंडमान वाले रीजन के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम बस डेट से देख सकते हैं कि नॉर्मल डेट्स ऑफ ऑनसेट और एक्चुअल डेट कितनी आ रही है अंदाजे के लिए। तो नीचे हम देख सकते हैं लक्षद्वीप में 1 जून मई में आना शुरू हो जाता है, 26 मई, देन ऊपर जाते हैं थोड़ा तो 1 जून हमारा महाराष्ट्र कर्नाटक वाला पार्ट में हम देख सकते हैं, 5 जून ऊपर अगर देखते हैं तो 20 एंड 25 जून हमें देखने को मिल रहा है। तो एक अंदाजे के लिए बस इसको देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जब जाते हैं तो 1 जून देखा जा रहा है नॉर्मल ऑनसेट जब होता है हमारे मॉनसून का। तो अंडमान निकोबार 19 से 21 मई, तो नीचे वाला जो पार्ट है वेस्टर्न घाट वाला पार्ट है वहां पे पहले आ रहा है मई के मंथ में ही आ जा रहा है, एंड ऊपर जैसे जैसे जा रहे हैं जुलाई जून उन मंथ्स में देखा जा रहा है। जो साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स होती हैं, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि जो अरावली रेंज है हमारी राजस्थान और दिल्ली पंजाब वाले एरिया के अंदर गुजरात के अंदर वो बैरियर की तरह एक्ट नहीं करती है, उसके पैरेलली साउथ वेस्ट मानसून की विंड्स जाती हैं, बट जो मानसून की विंड जाती है हमारी नॉर्थ ईस्ट के साइड में फनलिंग इफेक्ट के द्वारा वहां पे जो गारो खासी जनताई हिल्स हैं मिशमियाबोर हिल्स हैं ईस्टर्न हिमालय का एक्सटेंशन है वो बैरियर की तरह एक्ट करती है, एंड फिर वहां से डाइवर्ज होती है विंड्स जो कि हमारी BOB ब्रांच से आ रही होती हैं एंड जाती हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की तरफ। तो ये जो दो ब्रांच है अरेबियन सी की तरफ से एक हवा की ब्रांच आती है और एक बे ऑफ बंगाल की तरफ से हवा की ब्रांच आती है, तो ये हमारी आके मर्ज हो जाती है हरियाणा पंजाब और यूपी के प्लेन्स के ऊपर, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन विद रिगार्ड टू हीट एक्शन प्लान. तो अगेन करेंटली 20 स्टेट्स ने NDMA के साथ मिलकर हीट एक्शन प्लान को क्रिएट करा है. इट इज प्रिपेयर्ड बाय स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी गवर्नमेंट्स टू हेल्प प्रिपेयर फॉर रिस्पॉन्ड टू और रिकवर एंड लर्न फ्रॉम हीट वेव्स.
और हीट इसके डेफिनेशन में ऑलरेडी डिस्कस के 40 डिग्री से अबव जब टेम्परेचर हो जाता है फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ 4 to 5 days, प्लेन्स में और हिली एरियाज में 30 डिग्री से अबव। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन हीट एक्शन प्लान का क्या है, टू डायरेक्ट स्कार्स हेल्थ केयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेस टू द मोस्ट वल्नरेबल टू एक्सट्रीम हीट इन दैट ज्यूरिसडिक्शन। वल्नरेबल में कौन कौन आ जाते हैं, जो लेबर्स हो गए, प्लस जो रोड साइड जो शॉप पे जो होते हैं शॉपकीपर्स, देन स्ट्रीट वेंडर्स एटसेट्रा, कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, दे आर द मोस्ट वल्नरेबल वंस। और बिफोर समर जैन टू मार्च में क्या क्या हो सकता है कि एरियाज को आइडेंटिफाई करना ताकि वहाँ पे शेल्टर्स क्रिएट हो सके, और पेवमेंट्स पर भी इवन शेल्टर्स कैन बी क्रिएटेड, ऑन ड्यूटी ट्रैफिक पुलिस पर्सनल्स के लिए भी शेड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कूल जैकेट्स, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में ऑल डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक एट लार्ज दे शुड बी आस्क्ड टू प्रमोट कूल रूफ, तो रूफ टॉप कूलिंग सिस्टम्स का वी कैन डिस्कस अबाउट हियर, और एक इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट करना चाहिए। और समर्स के दौरान क्या हो सकता है, तो मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेंट को ऑन टोस होना चाहिए, इमरजेंसी वार्ड दे शुड बी रेडी, लेबर और जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है अगेन उन्हें वल्नरेबल जो ये कम्युनिटीज हैं इनके लिए वी कैन हैव बटर मिल्क का प्रोविजन और कोकोनट वाटर एटसेट्रा, और हाइड्रेटेड रहने के लिए वाटर कूलर्स एंड इवन वाटर प्योरीफायर्स दे मस्ट बी सेट अप सो एज टू हैव कंटिन्यूअस इनटेक ऑफ वाटर। और ज्यादा केयर हो सकती है फॉर विमेन, ओल्ड एजेस एंड इवन चिल्ड्रन, एंड इवन फॉर चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ORS पैकेज, शेड्स, शेल्टर्स, ऑल दे बिकम इम्पोर्टेंट। और MCD के लिए अगेन एनिमल्स में भी, जैसे वी सॉ के इवन इन द नेशनल जूज एटसेट्रा द एलिफेंट्स एटसेट्रा दे आर बींग शार्ड, इवन एलिफेंट्स एंड ऑल द एनिमल्स, एंड ऑल्सो बींग गिवन आइसक्रीम्स एटसेट्रा सो एज टू कीप देअर बॉडी कूल, तो ऐसे ही एनिमल्स के ऊपर भी फोकस शुड बी देयर। फिर वर्ल्ड नो टबैको डे, सो और 31st, हॉस्पिटल्स, एक पॉइंट और है वहाँ पे, आई थिंक रह गया वो, कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनके साइड से जो रैपिड मेडिकल रिस्पांस टीम है, जैसे कि हीट स्ट्रोक के केस में हम कहीं पे देखते हैं तो रैपिड वे में मूव कर पाए वो, तो वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कोई भी जो नियर बाय हॉस्पिटल्स हैं वो कम से कम एम्बुलेंस अवेलेबल हो, और एकदम से जब इन्फ्लक्स होता है पेशेंट्स का तो उनके लिए एडिशनल स्टाफ ऑलरेडी अवेलेबल हो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर, तो इमरजेंसी वार्ड्स ताकि रेडी रहें ऐसे हीट वेव से अफेक्टेड पेशेंट्स के लिए स्पेशली, तो दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सो ऑन द ईव ऑफ वर्ल्ड नो टोबैको डे, इंस्टॉलेशन विद जायंट सिगरेट्स हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री इज सीन आउटसाइड द प्रीमाइसेस ऑफ हॉस्पिटल इन मुंबई, तो 31st of May वर्ल्ड नो टोबैको डे। और हैंगिंग आउट विद, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है हैंगिंग आउट विद सिगरेट्स इज डेंजरस। एंड इंडिया में बात करते हैं तो सेकेंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टोबेको कंज्यूमर्स है इंडिया के अंदर, एंड ऑल्सो इन गर्ल्स भी हमने देखा कि जो सिगरेट्स कंजम्पशन है, जो सिगरेट कंजम्पशन है वो टू फोल्ड बढ़ गया है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कैसे हम टोबैको को प्रमोट कर रहे हैं वो रेगुलेटेड होना चाहिए. इसके अलावा जैसा कि दिखाया भी जाता है कि स्टैटिस्टिक्स में भी दिखाया जाता है कि जीएसटी उसके ऊपर हम लगाते हैं, जीएसटी लगने की वजह से हम बोल सकते हैं कि और भी ज्यादा अफोर्डेबल हो गया वो, तो और ज्यादा उसका यूज बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हाई नंबर हो गया हमारे विमेन का इन द टोबैको एज टोबैको यूजर्स, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि स्ट्रॉन्ग आइडल्स हमारे लिए हों जो एक्टर्स हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ताकि वो उस तरीके से काम करें. इसके अलावा इंडिया में अगर इनिशिएटिव्स की बात करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे भी जैसे वर्ल्ड नो टोबैको डे हर साल मनाया जाता है ताकि टोबैको कंजम्पशन के अफेक्ट्स के बारे में हम अवेयरनेस फैला पाएं. इसके साथ साथ WHO के साथ एक कन्वेंशन भी है टोबैको कंट्रोल के ऊपर, तो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, जिसमें इंडिया जो है वो भी है, एंड इसके अलावा 182 सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन में, जो कि अपनी कमिटमेंट को दिखाते हैं
कि वो ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे टोबैको को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के अंदर भी स्पेसिफिक टोबैको को लेके प्रोग्राम्स हैं, जिसमें नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम आता है, 2007 में इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेनिंग हुई। इसके अलावा जो स्मोकिंग है उसके उसको लेके इनिशिएटिव्स उठाए गए कि जो क्विट करते हैं लोग उनकी हेल्प हो पाए, उनकी काउंसलिंग हो पाए, बिहेवियरल चेंजेस बेसिकली आ पाए। तो इसमें डिजिटल इंडिया मिशन का भी इंटीग्रेशन हम देख सकते हैं कि डिजिटल मीडिया के थ्रू हम कितना इजीली अवेयरनेस फैला सकते हैं एंड काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ई सिगरेट जो है वो भी इंडिया के अंदर बैन है। नेक्स्ट हीट वेव एंड द वर्कर, तो दिस इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द लेबरर्स हु फेस हु आर मोर वल्नरेबल टू हीट स्ट्रोक्स एक्सेट्रा. तो उनके लिए अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा, तो एनडीएमए इम्पोर्टेंट की टर्म्स अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, जो हाई डेंसिटी और जो कंक्रीट बिल्ट एनवायरमेंट होता है उसकी वजह से वो फॉर्म करता है, और हीट एक्शन प्लान्स विच अगेन वी जस्ट नाउ रेड आर कोलैबोरेशन बिटवीन सिटी स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट और एनडीएमएज में, प्लस डिजास्टर इमरजेंसी परस्पेक्टिव शुड बी क्रिएटेड और क्लाइमेट एक्शन प्लान्स मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. टाउन वेंडिंग कमिटीज की जब हम बात करते हैं कि दे शुड बी प्रेजेंट स्पेशली फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, तो यहाँ पे दीज आर द मेजर इम्पोर्टेंट टर्म्स, प्लस लेबर कोड्स जो अगेन उनका इम्प्लीमेंटेशन इट बिकम्स इम्पोर्टेंट. तो यहाँ पे चैलेंजेस के दिखाए जा रहे हैं कि हीट एक्शन प्लान में अगेन एक एडहॉक मैनर में ये ड्राफ्ट नहीं हो रहे, ड्राफ्ट नहीं होने चाहिए एज द सिटी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल्स पर, तो देर शुड बी मोर रोबस्ट इम्प्लीमेंटेशन और जो प्रिवेंशन एटसेट्रा है उसके ऊपर भी हमें फोकस करना चाहिए ओवरऑल विद रिगार्ड टू द क्लाइमेट चेंज. बट ऑफ कोर्स क्योंकि वो एक लार्ज स्केल पर है, सो हेयर वी मस्ट फोकस अपॉन द इफेक्ट्स एंड द स्टेप्स विच कैन ट्राई टू मिनिमाइज देयर इम्पैक्ट, जो अगेन वी जस्ट नाउ डिस्कस के लेबर के केस में कैसे कैसे हो सकता है. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इट हैड ऑल्सो रिलीज के स्पेसिफिक क्या सिक्स मेजर क्लाइमेट इम्पैक्ट्स हैं स्पेशली विद रिगार्ड टू द वर्कर्स. सो टाउन वेंडिंग कमिटीज का यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसलिए आ जाता है बिकॉज जो सीट वेंडर्स होते हैं विच कंप्राइज लाइक 2% ऑफ एनी सिटी, तो वो एज अ इंटरलिंकेज काम करते हैं बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द वेरियस कमोडिटीज स्पेशली द एडिबल चीज होते हैं जैसे कि फूड फ्रूट्स एक्सेट्रा वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, तो उनके जो उनके पास पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो कि इजीली स्पॉयल भी कर जाते हैं, इसीलिए दे बिकम मोर वल्नरेबल. फिर विमेन वर्कर्स एटसेट्रा, अगेन उनके लिए भी हम रीशेड्यूलिंग ऑफ आवर्स कर सकते हैं बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड लूजिंग वर्क और जो उनका अमाउंट है, तो इंस्टेड रीशेड्यूल कर सकते हैं कि किन आवर्स में उनको काम करना चाहिए. नहीं, प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड करना चाहिए जैसे कि अम्ब्रेला शेड्स एटसेट्रा, दे ऑल बिकम इम्पोर्टेंट इन अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट्स दैट वी हैड ऑलरेडी मेंशन. तो मॉनसून क्रोक्स प्रोजेक्ट रोप्स इन पब्लिक टू डॉक्यूमेंट फ्रॉग्स इन फार्म्स एंड बैकयार्ड्स, तो सर्वाइवल ऑफ फ्रॉग्स एंड यहाँ पे बायो ब्लिट्स की बात हो रही है जो कि एक इंटेंसिव सर्वे है जो कि कंडक्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू आइडेंटिफाई एज मेनी स्पीशीज एज पॉसिबल विद इन अ पर्टिकुलर एरिया, और उसमें की हैबिटेट्स को आइडेंटिफाई करना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ताकि इन स्पीशीज को हम प्रोटेक्ट भी कर सकें स्पेशली इन केस ऑफ फ्रॉग्स. तो मॉनसून क्रोक्स बायो ब्लिट्स, तो ये 4 मंथ पब्लिक पार्टिसिपेशन साइंस प्रोजेक्ट था, जून 1 से है और सेप्टेम्बर 30 तक, तो इसमें इम्पोर्टेंट ऐप हो जाता है आई नेचुरलिस्ट ऐप. और अगर हम फ्रॉग्स की बात करते हैं तो 41% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रॉग्स आर ऑन द IUCN रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसमें रेड लिस्ट में आई इन द एंडेंजर्ड स्पीशीज. और ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी की भी हम बात करते हैं,
तो ये एक बायोडाइवर्सिटी ओपन सोर्स डेटाबेस है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इंफॉर्मेशन फैसिलिटी और GBIF। स्पेसिफिकली इट इज रिलेटेड टू फ्रॉग्स, बायोब्लिट्स और GBIF, और IUCN में रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज में 41% ऑफ वर्ल्ड फ्रॉग्स आर। तो शर्जील इमाम हैज गॉट बेल इन वन केस अंडर सेक्शन 346A ऑफ CRPC, बट ही रिमेन्स इन जेल इन अनदर केस। तो यहाँ पे दो मेजरली केसेस की बात हो रही है, एक तो इज UAPA विच इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसके बहुत ही स्ट्रिंजेंट रूल्स होते हैं, स्पेशली विच ऑल्सो लिंक टू द टेररिज्म एक्सेट्रा के जो केसेस होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्सेट्रा, दे आर इंक्लूडेड इन दिस। प्लस जो सेकेंड है विच इज अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसमें ऑल्सो ही वॉज अक्यूज। तो CRPC में ही हैज गॉट बेल, बट इन अनदर केस दैट इज अंडर UAPA ही हैज। तो स्टैट्यूटरी बेल की यहाँ पे बात होती है कि जो स्टैट्यूटरी बेल का जो प्रोविजन है वो 2005 में इंट्रोड्यूस करा था इन रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ अंडर ट्रायल्स इन प्रिजन, तो इसकी वजह से इट वॉज क्रिएटेड। और NCRB का डेटा बताता है कि 2022 के लिए के देयर वर 63,500 अंडर ट्रायल्स। अगेन वी ऑल्सो रेड अबाउट द जुडिशरी का जो डीले होता है उस सिस्टम में भी। तो यहाँ पे स्टैट्यूटरी बेल ये कैसा अच्छा प्रोविजन हो सकता है टू प्रिवेंट दिस। और प्लस में जो प्री मीडिएटर्स होते हैं, प्री ट्रायल मीडिएटर्स, उनका रोल भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है अपार्ट फ्रॉम द लॉयर्स। अ बंगाल टाइगर सीन अंडर अ वाटर स्प्रिंकलर एट इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क इन विशाखापट्टनम। तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस नेम, दैट इज इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, तो ये विशाखापट्टनम में है। एंड अगेन यहाँ पे हीट से ही हीट के जो इफेक्ट्स होते हैं, जो कि पूरे जो हीट स्ट्रोक होता है वो टेक प्लेस करता है जब सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, बिकॉज बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट वर्क्स ऑप्टिमली एट 36 से 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है, बट जो हम देख रहे हैं कि बाहर जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 50 डिग्रीज और इवन 45 डिग्रीज एट द मिनिमम। तो इसकी वजह से देर आर इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स विच अगेन कैन फर्दर लीड टू हीट स्ट्रोक और इवन डेथ्स इन सम केसेस। We can continue in the next session.